मुंबई में उसी जगह पर एक और लाश बरामद हुई है जहां से मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने मनसुख मौत मामले की जांच का जिम्मा भी एनआईए को दे दिया। मुंब्रा के रेती बंदर खाड़ी से आज फिर एक शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। ये वही जगह है जहां से अंबानी मामले में स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन का शव मिला था। आज सुबह जो शव बरामद किया गया है उसकी पहचान शेख सलीम अब्दुल के तौर पर हुई है। मनसुख के बाद एक और शव बरामद होने के बाद अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या एंटीलिया केस से इसका कोई लेना देना है या नहीं। इस बीच मनसुख हिरेन मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। अब मनसुख मामले की जांच भी एनआईए करेगी। इससे पहले मनसुख मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस के हवाले थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत मामले में तफ्तीश के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। एमएचए ने इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उससे जुड़े दस्तावेज एनआईए के अधिकारियों को मिल गए हैं। मनसुख हत्याकांड और एंटीलिया केस की लीड एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। ऐसे में एनआईए को ये अधिकार है कि वो इससे जुड़े मामले की भी जांच अपने हाथ में ले सकती है। माना जा रहा है कि इन्हीं शक्तियों के आधार पर एनआईए को मनसुख की मौत से जुड़ी जांच का भी जिम्मा दे दिया गया है। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।